सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानों के चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानों के में। दोस्तों, दिल्ली ईडीटी की वेबसाइट से आप जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, edistrict.dilli.gov.nic.in वेबसाइट है, दिल्ली गवर्नमेंट की ये वेबसाइट है ईडीटी की। इसके माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और बहुत सी सारी जो सर्विसेज हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पर सबसे पहले आप आएंगे और इस पर जैसे कि आप नए होंगे तो न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एट ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का जो ऑप्शन आ रहा है इसी के नीचे न्यू यूज़र का ऑप्शन एक आता है, इस पे आप क्लिक कर लेंगे इस तरह से। तो दोस्तों, यहाँ आपको क्या करना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। एक दो बार ये ऐसे आपको बताएगा, तो यहाँ ये डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, और उसके बाद यहाँ आप अपना नंबर डालेंगे जो भी डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ नंबर डालेंगे। उसके बाद कैप्चा कोड भर के आप यहाँ एग्री करके इसे सबमिट करेंगे तो आपकी एक लॉगिन आईडी बन जाती है इसमें। तो यहाँ से आपने लॉगिन आईडी बनानी है और उसके बाद रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पे आपने फिर से क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों, ये आपका जो लॉगिन है यहाँ इस तरह से आ जाएगा और उसके बाद कैप्चा कोड आप यहाँ इसमें ये भरेंगे। तो ये कैप्चा कोड हम भी भर देते हैं और आपको बताएंगे आगे। उसके बाद ये आप इस तरह से यहाँ से कैप्चा कोड डाल के लॉगिन कर देंगे। तो ये इस तरह से इस पेज पे आप पहुंच जाएंगे, वेलकम टू दिल्ली ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। और यहाँ उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन आप देख सकते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं अप्लाई फॉर सर्विसेज और पेंडिंग फॉर सबमिशन के यहाँ दो ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो पेंडिंग में वो डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे जिनके लिए आपने अप्लाई किया है लेकिन अभी फाइनल सबमिट नहीं किया है। और साथ ही अप्लाई फॉर सर्विसेज पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारी सर्विसेज यहाँ दे रखी हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको टोटल बता देता हूं कितनी सर्विसेज यहां अवेलेबल हैं। तो यहां आप देख सकते हैं 149 सर्विसेज ऐसी हैं जिनके लिए आप यहां से अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी सर्विसेज जो हैं बिल्कुल नई हैं, अभी नई नई अपडेट की हैं। देख सकते हैं आप 5/7/2020 ये डेट है, ये ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो भी नई सर्विसेज है ये 5/7/2020 को करी हैं। और उसके साथ ही साथ यहाँ आप बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट हैं उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो इस वीडियो में दोस्तों, हम जैसे कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेके आपको बताया कास्ट सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई करना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू वाले कॉलम में यहाँ आप आएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इशू फॉर कास्ट OBC सर्टिफिकेट। उसके बाद इसी तरह जो SC/ST के लिए भी यहाँ दिया गया है, तो जिस कैटेगरी में आप बनवाना चाहते हैं उसके आगे आपको अप्लाई का जो ऑप्शन मिलता है उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो आप जिस कास्ट का सर्टिफिकेट दोस्तों बनाना चाहते हैं उस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत सारी जो यहाँ दिए गए हैं कास्ट, तो हम किसी एक पे जो है क्लिक कर लेते हैं और आपको बताते हैं फिर कैसे आपको ये डॉक्यूमेंट बनाना है, कैसे फॉर्म भरना है। तो हम यहाँ एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए अप्लाई कर देंगे, ST पे हमने कर दिया है। तो आपने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त जो जानकारी इसमें दी है वो जानकारी आपकी यहाँ आधी से ज़्यादा आ जाती है अपने आप ही। और यहाँ आप देख सकते हैं जो प्रोसेसिंग का जो समय है इस सर्विस का, जो सर्टिफिकेट बनने का 14 दिन रखा गया है, 14 दिन इसमें इस सर्विस पे लगते हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ नाम डालना चाहें तो डाल सकते हैं, उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हैं इसको एडिट करके, और यहाँ से जो जानकारी आप इसमें डाल सकते हैं जो डालनी है आपको आप डाल सकते हैं। उसके बाद आप इसे अपडेट भी करेंगे या फ़ोटो आप इसमें अपडेट करेंगे तो अपडेट डिटेल पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपके पास एक OTP आता है, वो OTP आपने यहाँ इसमें भर देना है इस तरह से जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ हमने भर दिया है। फिर आप इसे सबमिट कर देंगे। तो सबमिट करने के बाद दोस्तों, ये इस तरह से आपका हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन डिटेल हैज़ बीन जो है सक्सेसफुल अपडेटेड। अब फिर वापस आप फिर इसी पेज पे जाएंगे और यहाँ से जो डॉक्यूमेंट आप अप्लाई कर रहे थे उसी पे वापस जाएंगे और आपकी जो डिटेल है यहाँ अपडेट होके आ जाएगी। तो आप इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों, आपके सामने फिर ये फॉर्म कुछ इस तरह से आ जाता है। तो यहाँ आपको पूछ रहा है अप्लाइंग फॉर विच स्टेट, तो यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है जिस भी स्टेट के लिए आप बनवाना चाहते हैं दिल्ली में कास्ट सर्टिफिकेट। तो हम यहाँ दिल्ली ही सिलेक्ट करेंगे और अगर आप किसी और स्टेट के लिए बनवाना चाहते हैं दिल्ली का कास्ट सर्टिफिकेट तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद कास्ट का नाम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है, जैसे आप यहाँ से जो अपना
जो भी राज्य आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, तो यहाँ कास्ट की एक लिस्ट आ जाती है ये पेज रिफ्रेश होने के बाद। उसी तरह रिलीजन आपका यहाँ आ जाता है, और उसके बाद यहाँ आपको पूछता है कि आपकी जो फैमिली है वो 20/9/1951 से पहले से दिल्ली में है या उस इस डेट से है, तो यस और नो पे आपने यहाँ क्लिक कर देना है। तो उसके बाद जो भी आपको यहाँ पूछा जाएगा वो आपने यहाँ भरते जाना है। तो यस और नो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ आप इस तरह से डाल देंगे कि कितने साल से हैं और इस तरह से, और पूरी जानकारी दोस्तों आप यहाँ इसमें डालते जाएंगे। तो जैसे ही आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे कि आपके पास पहले से ही है ब्लड रिलेशन का जो सर्टिफिकेट है इस कैटेगरी का, तो यहाँ कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट होल्डर का नेम और जो रिलेशन विद एप्लीकेंट का नाम यहाँ आपको डालना होता है। अगर किसी आपके परिवार में है तो उसका जो सर्टिफिकेट जिसके पास है उसका नाम डालना है। उसके बाद यहाँ सेलेक्ट करना है कि आपका जो रिलेशन है उस बंदे के साथ में क्या रिलेशन है, वो आप यहाँ सेलेक्ट करते जाएंगे, और उसके सर्टिफिकेट की भी आपको यहाँ डिटेल डालनी है। अगर आप यहाँ यस पे क्लिक करते हैं कि आपके परिवार में किसी के पास जो सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हैं वो पहले से अवेलेबल है, नो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ फिर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। और उसके बाद पर्पस ऑफ सर्टिफिकेट पूछा जाएगा, तो यहाँ आप डाल सकते हैं जिस चीज़ के लिए भी आपको सर्टिफिकेट चाहिए वो आप यहाँ इस तरह से भर देते हैं, तो ये आपका इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू इसे करेंगे, कंटिन्यू तो नेक्स्ट करेंगे तो जो चीज़ें छूट जाएंगी वो इसमें पूछेगा, तो ये कुछ चीज़ें ले नहीं रहा है, तो इस तरह से हम इसे फिर से रिफ्रेश करेंगे। तो दोस्तों ये आ गया है, और फिर इसे हम यहाँ जो चीज़ें छूट रखी हैं वो ये हमने डाल दी हैं, फिर कंटिन्यू इसे कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये फॉर्म दोस्तों हमारा फिर आ जाता है, इसमें आइडेंटिटी प्रूफ हमें लगाना होता है। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आधार कार्ड, एनी गवर्नमेंट जो रजिस्टर्ड या जो इशू हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है वो, बर्थ सर्टिफिकेट 5 साल से कम के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर इस तरह से स्कूल प्रिंसिपल का जो दिया हुआ एक प्रमाण पत्र, और NFS राशन कार्ड जो हमारा होता है उसकी हम लगा सकते हैं आइडेंटिटी के तौर पे, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड लगा सकते हैं अगर माइनर हैं, वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, दोनों साइड लगाना होगा वोटर आईडी कार्ड का। और यहाँ आप देख सकते हैं फिर प्रूफ ऑफ स्टे इन दिल्ली, इसका प्रूफ हमें लगाना होता है इसमें, और रेजिडेंट प्रूफ उसके बाद लगाना है, सेल्फ डिक्लेरेशन एक लिखना है हमें एक ब्लैंक पेपर में कि मैं घोषणा करता हूँ कि इतने समय से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और इस सर्टिफिकेट के लिए मैं एलिजिबल हूँ, इस तरह का एक घोषणा पत्र आपको लिखना है। उसके बाद ऑप्शनल डॉक्यूमेंट अगर आप इसमें लगाना चाहें कोई और डॉक्यूमेंट तो वो लगा सकते हैं, 2 डॉक्यूमेंट ऑप्शनल इसमें आप लगा सकते हैं। PDF आपको लगानी है, PDF का साइज आपको कम से कम ही रखना है जिसमें कि आप साफ साफ देख सकें, वो आपको इसमें लगाना है। और उसके बाद इसको आप इस तरह से जब भर देते हैं फॉर्म को तो ये आपका फिर सबमिट हो जाता है। तो ये फॉर्म दोस्तों आपका है कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए, तो क्योंकि मेरे को बनाना नहीं है आप लोगों को केवल बताना है, तो इसलिए मैं लास्ट जो इसका ये प्रोसेस है इसमें एंड कर रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों इसकी फ़ीस जो है आपको भरनी है कहाँ से, ये पेमेंट जो दिखा रहा है ट्रैक पेमेंट ई डिस्ट्रिक्ट, इस पे आपको एप्लीकेशन नंबर जब आप भर देते हैं एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाता है, एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है और सर्च ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है, तो आपकी जो भी फ़ीस होगी वो आपको बता देगा और वहाँ से आपने इसकी फ़ीस भी भर लेनी है। इसकी फ़ीस 30 रुपये में भी 30 रुपये इसकी फ़ीस है, तो यहाँ से आप इसके बाद इसको कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपने जो भी डॉक्यूमेंट पेंडिंग में आपका होगा यहाँ आपको पेंडिंग फॉर सबमिशन पे आप आएंगे यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप दिल्ली में किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह से आपने किसी भी जो सर्टिफिकेट है आपका किसी भी सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये दिल्ली की ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट से बहुत सारे इसमें डॉक्यूमेंट हैं, आपको अगर किसी और डॉक्यूमेंट के बारे में भी जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, और इसका पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा उसके बाद ही आप किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।